यार बाप रे, किसी 1000 cc बाइक से कम नहीं है भाई। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड बैक टू बैक मोटर व्लॉगिंग वीडियोस लेकर मैं हाजिर हूँ। प्रीवियस वाला जो व्लॉग था वो भी मोटर व्लॉगिंग था, एंड आज का जो व्लॉग बनेगा वो भी मोटर व्लॉगिंग वीडियो बनेगा। बाय द वे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था यामा R6, एंड इसके ऊपर राइड भी किया था NH6 कोलाघाट से पंजाब तक गया था, एंड उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हादसा भी हुआ, तो वो वाला वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का। बहुत ही अच्छा रहा था कल का इवनिंग राइड, एंड आज मैं इसको लेकर एक हल्का सा राइड मारूंगा, ज़्यादा लंबा राइड नहीं मारूंगा। एक्चुअली अभी प्लान है इसको मैं रिटर्न देने जाऊंगा कस्टम कोटिंग के पास जिसका बाइक है, तो सोचा कि एक छोटा मोटा मोटो व्लॉग्स बना लेते। तो चलो निकलते हैं, एंड फिर से और एक बार आप लोगों को एक वॉक अराउंड व्यू दे देता हूँ मैं इस बाइक का। बहुत ही अमेजिंग सेक्सी बाइक है, एंड पीछे से इसका लुक ना बहुत कमाल का दिखता है। तो चलो बाइक को अभी स्टार्ट करते हैं, एंड इसमें लगा हुआ है CR Race Feed, तो साउंड मस्त आएगा। तो गाइस अभी बाइक को वार्म अप होने देते हैं, उसके बाद मैं आप सबसे मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। एंड आज मैं आप लोगों को अपना न्यू जो बंगलो है वो दिखाऊंगा। बाय द वे, ये हम लोगों का बंगलो है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, एंड रिसेंटली हम लोगों ने और एक बंगलो लिया है जो इससे और भी साइज़ में बहुत बड़ा है, तो उसका भी काम चल रहा है, सब कुछ मरम्मत चल रहा है उस बंगलो का, तो उसको मैं पहले आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद इस बाइक को रिटर्न देने के लिए जाऊंगा फिरोज भाई के पास। तो यस, बने रहो एंड चलो मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। और राइट गाइस, सो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने एक नया बंगलो ख़रीदा है, एंड शायद से वहां पर हम लोग और एक साल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो बंगलो कहीं और नहीं है, वो अपने सोसाइटी के अंदर ही है। तो मैं अभी पहले जाता हूँ वहाँ पर, उसको आप लोगों को दिखाता हूँ, एंड उसके बाद जाएंगे फिरोज़ भाई के पास टू रिटर्न दिस बाइक। तो एक हल्का सा मोटो व्लॉगिंग वीडियो, एक शॉर्ट सा व्लॉग बन जाएगा होपफुली। यार कल ना इस बाइक को मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा था, तो उतना फ्री महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एक भारी भरकम लड़का मेरा दोस्त शायद वो पीछे बैठा हुआ था, जिसका वजन मुझसे बहुत ज़्यादा है, लाइक अराउंड 20 किलो तो ज़्यादा होगा ही। एंड आज मैं इस बाइक को अकेला राइड कर रहा हूँ, तो मतलब बहुत ही फ्री फील हो रहा है, बहुत ही मतलब लाइट फील हो रहा है। तो गाइज, अपना जो पुराना वाला बंगलो है वो ए ब्लॉक में है, एंड अभी हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे डी ब्लॉक, डी या सी मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी। तो अभी पीछे के साइड में जाएंगे, क्या मस्त भाग रही है भाई। तो ये हम लोग आ चुके हैं सी ब्लॉक के एंट्रेंस पर, एंड यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो, इधर आपको दिखेगा सामने एक पार्क है, एंड दोनों तरफ बड़े बड़े बंगलोस, एंड अपना जो बंगलो है ना गाइस, वो है वो स्ट्रेट वाला जो अकेला है, अलोन है, एंड एकदम फ्रंट में है। तो चलते हैं वहाँ पर, एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मैनी अदर्स, हम लोगों का जो बंगलो है ना वो यहाँ का सबसे बेस्ट बंगलो है बिकॉज ऑफ द व्यू, क्योंकि एकदम मिडिल में आता है, एंड इसके पास कोई और बंगलो नहीं है, यहाँ पर कुछ डॉगीज है, एंड यहाँ पर एक्चुअली गाइस काम चल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर बाइक को लगाता हूँ, एंड अभी जो है एक्चुअली मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू बंगलो के सामने, ये पीछे वाला जो रहा ये हम लोगों का न्यू बंगलो है। बाय द वे, यहाँ पर जितने सारे बंगलोज हैं ना, सारे के सारे बहुत बड़े साइज़ के, मतलब बहुत बड़े नहीं, मतलब सबसे बड़े साइज़ के हैं। यहाँ पर अपने सोसाइटी में टोटल 4 तरह के बिल्डिंग है, छोटा, उससे बड़ा, एंड सबसे लास्ट में ये सबसे बड़ा। तो दिस वन इज़ आवर न्यू बंगलो, एंड यहाँ पर ना
जो सब घर है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, अब जिसको लेना है वो लेगा, उसके बाद उसका मरम्मत करेगा। जैसे ये सब बंगलो सब रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर आदमी लोग रहते हैं, हम लोग बंगलो अभी रेडी हो रहा है, रेनोवेट हो रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ बाउंड्री वॉल वगैरह बनेगा, यहाँ पर पेड़ वगैरह हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर R6 को मैंने पार्क कर दिया एंड अभी चलते हैं अपने बंगलो के अंदर जहाँ पर काम चल रहा है। एंड इधर आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा एरिया हम लोगों को मिल गया यार, यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड दूसरे जितने सारे घर हैं ना उसके सामने वैसा कुछ खास जगह नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि ये वाला सबसे मतलब बेस्ट है। एंड यार बहुत ही कमाल का है, एंड अपना जो बंगलो जिसमें हम लोग अभी रहते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। तो चलो आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर, एंड अंदर से पूरा दिखाते हैं कैसा है अपना न्यू बंगलो। तो ये रहा गेट, एंड यहाँ पर सामने आप लोग देख सकते हो गराज है, इस बंगलो का खुद का गराज है। एंड यहाँ पर अपना दोनों का दोनों बेस्ट है। एक्चुअली हम लोगों का 4 कार है, 2 वहाँ पर रहते हैं, 2 यहाँ पर है। दिस वन इज़ द फॉर्चुनर, घूंघट हटा देता हूँ मैं आप लोगों को सो दैट यू गाइज कैन हैव अ लुक एट दिस बीस्ट, बहुत ही बड़ा है। एंड दिस इज आवर प्यारी BMW Z4। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, मतलब जस्ट हैव अ लुक। अपने पास थार भी है, थार इज अ ह्यूज कार, बट फॉर्चुना उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो मतलब फॉर्चुना एंड Z4 सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा एक साथ। तो यहाँ पर रहता है ये 2 कार, एंड जब भी मन करता है ये, इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब बहुत रेयर है। फॉर्चुना निकालिए या Z4 निकालिए, बहुत रेयर है, इसलिए इसको दूर रखते हैं। एंड क्या कमाल का लग रहा है बॉस, यहाँ पर अपन रहेंगे ऊपर, उस फ्लोर पे बैल्कनी व्यू मिलेगा एंड नीचे से निकलेगा अपना Z4। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अब अंदर का रास्ता। तो यहाँ से अगर आप लोग ऊपर को चलते हो देन गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है एक यार्ड। तो ये यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो इस प्लेस को। तो यहाँ पर आपको इतना खूबसूरत सा एक बड़ा सा स्पेस मिल जाता है, एंड ये थोड़ा सा हाइट में है, मतलब वो नीचे है और ये ऊपर है, अराउंड 10 फीट की हाइट पे है। एंड इधर काम चल रहा है सब कुछ, क्योंकि इसको पूरा अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। लेट्स गेट इनसाइड दी बंगलो। यहाँ पर गेट वगैरह आप लोग देख सकते हो सब कुछ टूटा फूटा है, सब चेंज करना पड़ेगा। इस पर ना यार अराउंड 30-40 लाख रुपये खर्च है इस पूरा बिल्डिंग को ठीक से बनाने में। एंड यहाँ पर आ जाता है सिटिंग रूम, इधर और एक आ जाता है सिटिंग रूम। बाय द वे एक चीज़ में आप, अरे यार किसने शीशा तोड़ दिया भाई, और एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ गाइज, वो है कि यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं स्विमिंग पूल। तो इस वाले प्लेस में स्विमिंग पूल बनेगा एंड आपका भाई मौज लेगा स्विमिंग पूल में। बहुत मेरा मन था कि अपने खुद के घर पे एक स्विमिंग पूल रहे, पर्सनली एक स्विमिंग पूल रहे अपने यूटिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आप लोग स्विमिंग पूल बनाएंगे। अब चलते हैं अंदर एंड ऊपर, वो ग्रास से आने का प्लेस, इधर है किचन, इधर एक सीटिंग रूम, इधर एक सीटिंग रूम, और इधर आ गया डाइनिंग प्लेस विद द बैल्कनी व्यू। वाओ, तो ये रहा R6 और ये रहा खूबसूरत सा व्यू। तो गाइज एक बड़ा बंगलो लेने का बहुत शौक था, बाय द वे इधर कमरे हैं, उधर बाथरूम है, तो इतना डिटेल्स में मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट एक ओवरऑल व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ सो दैट यू गाइज कैन हैव एन आइडिया। एंड अभी मैं आ चुका हूँ टेरेस पे, सो दिस इज द टेरेस गाइज। यार मेरा सांस फूल रहा है यार, एंड यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत ही कमाल का व्यू है। एंड जस्ट हैव अ लुक, ये रहा सामने पार्क व्यू। सबके पास एक एक करके घर है, इनके भी उनके भी, बट अपने पास कोई और बंगलो नहीं है, अपना अकेला का है, इसलिए बोला था दिस इज़ द बेस्ट वन। एंड गाइज इस जगह को और भी अच्छे तरीके से दिखाने के लिए ऑब्वियसली आई शुड टेक अ एरियल व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। तो ड्रोन में लाया हूँ, अपने बैग पर है, तो ड्रोन निकालते हैं एंड आप लोगों को ड्रोन शॉट दिखाते हैं। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं ड्रोन के कैमरा पे, ओके। Don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't
गाइस, आई होप सो आप लोगों को ड्रोन शॉट पसंद आया। यार बहुत दिनों के बाद मैंने ड्रोन उड़ाया, तो एनीवेज होप सो आप लोगों को पसंद आया। बहुत ही मस्त सा व्यू आया था ड्रोन से, मैं देख रहा था, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा अच्छा व्यू दिखा। तो इसी बात पे यार इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अभी अराउंड 4 बज रहे, तो इट्स टाइम टू रिटर्न दी बीस्ट। मतलब R6 को अभी देने आना पड़ेगा फिरोज भाई के पास। भाई फिरोज भाई का वर्कशॉप ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट पास ही में है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, वहाँ पर चलते हैं, जाकर बाइक रिटर्न करते हैं। एंड आप लोगों ने मैंने अपना बंगलो दिखा दिया नया, अराउंड 1 साल लगेगा यार यहाँ पर शिफ्ट होने में, या उससे कम टाइम भी लग सकता है। तो कैसा लगा अपना बंगलो कमेंट करके ज़रूर बताना, होप्स अच्छा ही लगा होगा यार, इतना पैसा खर्च जो किया है। एनीवेज गाइस, चलो मिलते हैं नीचे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर। यार बाप रे, किसी 1000 cc बाइक से कम नहीं है भाई। बाप रे बाप, क्या पावर है भाई। ये मैं 600 cc का बाइक चला रहा हूँ या 1000 cc का। बॉम्ब्स अंडर द टनल। अबे साले अकल के अंधे। और मैं आ गया कस्टम कोटिंग के वर्कशॉप पर। बस इतना ही था आज का राइड। फिरोज भाई, इस फिल्म में कल घर आ गया था, एंड एज यूजुअल मैं वीडियो एंड करना भूल गया था, तो अभी मैं एडिट कर रहा था, फिर मुझे पता चला कि मैंने एंडिंग पार्ट शूट ही नहीं किया। एनीवेज अभी मैं एंड कर रहा हूँ वीडियो को, होप सब लोगों को वीडियो पसंद आया है। प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बाइकर बॉय जाहिर नाम है, यहाँ पर नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। I know it's reckless, but I don't care.